हेवरी वनाज हम बात करेंगे टेली प्राइम में हम परचेज़ ऑर्डर कैसे बनाएंगे ऑन द बेस ऑफ परचेज ऑर्डर हम परचेज़ बिल कैसे बनाएंगे तो सिंपली मैं पहले वाउचर में आ जाऊँगा सो सिंपली मैं वी प्रेस करूँगा अब यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा अगर आपको परचेज़ ऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपको एफ़ टेन करके शो इन एक्ट्यूब क्लिक करना है एंड नीचे यू कैन सी हियर लाइक ऑर्डर वाउचर्स में आपके पास ऑप्शन है परचेज ऑर्डर का आपको सिंपली यह करना है वहाँ जाके क्लिक करके यस कर देना है ओके लेट मी शो यू हाउ तो मैं जाऊँगा यहाँ परचेज ऑर्डर पे आपको सिंपली एक्टिव ना हो तो यहाँ यस कर देना है तो यू कैन सी ये हमारा वाउचर यहाँ एक्टिव हो गया फाइन नाउ कंट्रोल एफ़ नाइन है हमारा परचेज ऑर्डर के लिए एंड परचेज के लिए है हमारी शॉर्टकट की एफ़ नाइन फाइन तो सिंपली मैं अगेन वाउचर में जाऊँगा सिंपली हमारा परचेज ऑर्डर इज़ देयर नाउ जो भी हमारा सप्लायर है वो मैं सिलेक्ट करूंगा वन बाय वन जो भी उसकी डिटेल है बेसिक वो ऑटोमेटिकली फेच करके आ जाएगी जब भी हमने सप्लायर बना था जो भी डिटेल थी वो आ जाएगी फाइन अब यहाँ परचेज ऑर्डर मैंने दे दिया लोकल परचेज एटीन परसेंट सिलेक्ट कर दिया अब यहाँ कोई भी आइटम क्रिएट नहीं है तो मैं सिंपली अल्टर सी करके एक आइटम क्रिएट कर देता हूँ यहाँ लिखता हूँ ट्वेंटी फोर इंच ओनिडा टी वी ओके सो एक रेंडमली मैंने एक आइटम क्रिएट कर दी नाउ यूनिट्स में मैं सिंपली क्रिएट कर दूँगा एन ओ एस दैट इज़ नंबर्स ओके जो सिंबल में मैं सिंपली लिखूंगा एन ओ एस एंड फॉर्मल नेम में मैं लिख दूंगा नंबर्स एंड जो भी यू क्यूब सी है वहाँ मैं एन ओ एस नंबर सेलेक्ट कर दूंगा किसी जी एप्लीकेबिलिटी जो भी होगा वो एप्लीकेबल होगा एंड नीचे के जो भी ऑप्शन है इस पर कंपनी स्टॉक ग्रुप फाइन अब रेट ऑफ ड्यूटी हमारे जो भी है वो मैं सिंपली यहाँ एंटर कर दूंगा ओके सो यहाँ मैंने एंटर कर दिया सब अब सिंपली जितनी क्वांटिटी है वो मैं यहाँ लिखूंगा सपोज हमने ऑर्डर की है पाँच क्वान्टिटी ओके एंड जो भी रेट है वो मैं सिंपली एंटर कर दूंगा एट थाउजेंड पर नंबर ओके अब यहाँ जो भी हमारा जी एस टी रेट होगा वो मैं सिलेक्ट कर दूँगा लाइक सी जी एस टी नाइन परसेंट एंड एस जी एस टी नाइन परसेंट फाइन अब निरेशन में यू कैन राइट निरेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट तो ये बेसिक हमारा परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया फाइन बींग प्योर मेड फाइन तो ये परचेज ऑर्डर हमारा रेडी हो गया नाउ इन डिस्प्ले ऑप्शन स्टेचुटरी रिपोर्ट के ऊपर आप देखेंगे एक इन्वेंट्री बुक्स का ऑप्शन है वहाँ आपको परचेज ऑर्डर बुक्स का ऑप्शन दिखेगा सो so, जितने भी ऑर्डर आपके बने होंगे वो आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे सेम वे डे बुक में भी जाके आप चेंजेस इन मॉडिफाई कर पाओगे ओके okay? फाइन नाउ सपोज हमने जो ऑर्डर बना दिया है नाउ ऑन द बेस ऑफ ऑर्डर अब हमें जो परचेज बिल होता है वो क्रिएट करना है तो अगेन मैं जाऊंगा सिंपली वाउचर में ओके okay. यहाँ जा कर मैं एफ नाइन करूँगा फाइन अब यहां जो भी सप्लायर इन्वॉइस नंबर है वो मैं एंटर करूंगा वगैरह वगैरह एंड जो भी सप्लायर है वो सिलेक्ट करूंगा ओके okay. अब जैसे ही यहाँ मैं लोकल सेलेक्ट करूंगा यू कैन सी यहाँ जो भी हमारी आइटम है वो आ जाएगी एंड यहाँ पी ओ नंबर आ गया मतलब जो भी ऑर्डर नंबर है वो आ गया तो देखिए ये ऑटोमेटिकली अमाउंट वगैरह फेच कर ले ओके सो ये जो भी हमने बिल बनाए ये हमारा जो भी पी ओ है जो भी परचेज ऑर्डर है उसके से लिंक है फाइंड So in this way we can create purchase order and on the base of purchase order we can create purchase bill in teleprime. Okay. So this is for today. Thanks for watching. you like dividend, subscribe to the channel. Thank you.